देखिए आज हम लोग सीखेंगे क्रिस्टल में अवयवी कणों की संकुलन संकुलन क्षमता। ठीक है, देखिए संकुलन का मतलब पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे समझेंगे। संकुलन का मतलब होता है ना पैकिंग। संकुलन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पैकिंग, पैक। अब बताओ कि पैकिंग का अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? पैकिंग तो अच्छी तरह से समझते होंगे नहीं? जैसे मान लीजिए किसी सामान को पैक करना है, तो पैक करने का मतलब कुछ उसमें आप डाल करके उसको अच्छी तरह से जितना भी स्थान है उन सब में उसको ठैच करके बैठा दीजिए। जैसे आप मान के चलिए ना कि एक डब्बा है इस तरह से और इस डब्बा में आप किसी चीज को पैक कर रहे हैं, तो पैक करने का उद्देश्य आपका ही होता है कि इसका जितना भी खाली स्थान है उस टोटली खाली स्थान को जहां तक संभव हो सके पैक कर दो। मतलब कि इसमें एक एक जगह तक कणों को आप पहुंचा दीजिए और उसके बाद इसको आराम से क्या करते हैं हम लोग? पैक कर देते हैं। तो पैक का मतलब होता है संकुलन। और पैकिंग दो तरह के हो सकता है। अगर मान लीजिए कि आपके पास बैग है और बैग में कपड़ा कम है, तो दो सेट तीन सेट कपड़ा है और बैग बड़ा खासा अच्छा है, मान के चलिए 45-46 लीटर का बैग है और उसमें कपड़ा आपका बहुत कम है, तो उसमें पैकिंग कैसा होगा? ढेर सारा मोस्ट ऑफ देम जो खाली स्थान होगी वो आपका क्या होगा? खाली रह जाएगा। और एक ऐसा होगा कि मान के चले कि बैग आपका 45 लीटर का, उसमें बहुत सारा कपड़ा आपको पैक करना है, मान के चलिए 8-10 सेट पैक करना है। अगर 10 सेट पैक करना है तो बताओ को बैग आपको कम पड़ जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं उसे पूरा ठूस देते हैं, पूरा मतलब ठैंच करके भर देते हैं। और जब ठैंच करके भर देते हैं तो पैकिंग दो तरह का हो गया कि नहीं हो गया? एक तो आप पैक कर दिए जिसमें आपका बहुत सारा स्थान खाली रह गया, और एक ऐसा पैकिंग किए हैं जिसमें आपका बहुत सारा स्थान उसको डालने के लिए घट गया। तो जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा ठूस ठूस कर भर देते हैं उसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग या निविड़ संकुलन। याद रखिएगा क्या बोलेंगे उसको? क्लोज पैकिंग, निविड़ संकुलन। तो इसमें हम लोग को पैकिंग आप देखिए समझिए, तो पैकिंग हम लोग किस तरह से करेंगे? दो तरह, एक निविड़ संकुलन हो जाएगा आपका और एक खाली वाला। तो आप पैकिंग करता करने के लिए आप कह सकते हैं कि जो कणों कणों की ऐसी सजावट जिसमें कण महत्तम स्थान, या ऐसे आप बोल सकते हैं कणों की ऐसे सजावट जिसमें कण खाली स्थान है कि जितना भी उसमें खाली स्थान होगा उस सारे स्थान को यानी महत्तम स्थान को घेरने या घेरता समझ में एकदम नॉर्मल भाषा में आप समझिए। ऐसे आप इसी चीज को बुक में देखिए तो आपको बहुत सारा टेढ़ मेढ़ कोची कोची करके दे सकता है। तो यहाँ आप क्या समझ रहे हैं कि कणों की ऐसी सजावट या व्यवस्था जिसमें कण महत्तम स्थान को घेर लेता है, मतलब कि जितना हो सके वो जितना भी उसमें स्थान है खाली उन सारे स्थान को क्या कर देगा कि उसमें एकदम घुस घुस कर करके बैठ जाएगा। और इससे होता क्या है, घेर सकता है या घेरता है जिसके कारण उसकी घनत्व क्या होती है? बढ़ जाती है। अब घनत्व बढ़ता कैसे आप खुद ही समझिए। अगर मान लीजिए कि इतना बड़ा कोई डब्बा है आपके पास
और एक डब्बा ये भी एकदम सेम है, और इस डब्बा में मान के चलिए कि 50 कण मिलकर के पूरी डब्बा को भर लिया है, और इस प्रत्येक कण का वजन मान के चलिए 2 ग्राम है। इसका प्रत्येक कण का वजन अगर 2 ग्राम है, जैसे 50 कण है, तो इसके वजन कितनी हो जाएगी, 100 ग्राम होगी ना। और इतना ही सेम आयतन का ये वाला भी है, लेकिन इसमें आपकी कण जो है पूरा एकदम ठूस ठूस करके भर दिया गया, 50 के जगह पे 80 कण भर दिया गया है, तो इसका वजन कितना हो जाएगा, 160 ग्राम हो जाएगा। तो बताइए, और दोनों से 160 ग्राम, और 160 ग्राम इसका और इसका 100 ग्राम, और जबकि दोनों का आप देखिएगा तो दोनों का आयतन सेम है, तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, इसका घनत्व क्यों बढ़ रहा है, तो घनत्व इसलिए बढ़ रहा है कि इसमें जो कणों की पैकिंग किया हुआ है इसकी तुलना में कम है, इसकी तुलना में कम है, तो इसमें जो कण है इसके प्रत्येक खाली स्थान को भी घेरने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, तो इसमें प्रत्येक स्थान को घेरने की कोशिश कर रहा है बहुत बहुत कम सट सट कर करके, तो ऐसे पैकिंग को हम लोग बोलते हैं क्लोज पैकिंग या निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन। प्रत्येक का नहीं चाहता है कि हम जितना से जितना हो सके इसमें अट सकते हैं, अट जाए, मतलब कि इसमें जो खाली स्थान है उस खाली स्थान को हम ना छोड़े बल्कि उसके प्रत्येक स्थान को हम भर दें, वो आपका संकुलन कहलाता है। और घेरता है जिससे, जिससे क्या होगी, इसकी घनत्व बढ़ जाएगी, घनत्व बढ़ता है। अब एक चीज और कि इस पैकिंग को देखिए, जैसे यहां पर पैकिंग को अगर जैसे देखिए होता क्या है, कण सजाकर ही हम आपको बताते हैं, जैसे एग्जांपल में आप समझिए कि एक मान के चलिए एक कण है, और एक कण यहां रहेगा, एक कण यहां रहेगा, तो पैकिंग है, पैकिंग नहीं है, पैकिंग का मतलब कि एकदम सटल, जहां हो सकता है आप सटा दीजिए। तो अगर इसको अगर हम सटाना चाहें तो बताइए तो जरा कि एक कण को अगर हम यहां रख दें और फिर एक और कण को एक साथ ऐसे सटा दें, तो बताओ कि अपना प्रत्येक स्थान का जहां तक हो सकता है प्रत्येक स्थान को घेर रहा है कि नहीं, जितना अधिक से अधिक हो सकता है स्थान को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो इस व्यवस्था को आप देखिए तो ये आपका पैकिंग है, और ये कैसी पैकिंग है, तो आपका मतलब आगे आप पढ़िएगा ना, तो ये आपको पैकिंग मिलेगा एक बीमी है, इसमें आप अब एक तरह से और पैक हो सकता है, एक एग्जांपल से, एक इसमें चीज से, और एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मान के चलिए कि यहाँ आपका कण है, यहाँ है ये इस तरह से, और इसके नीचे में कण रह सकता है यहाँ, लेकिन इसमें आप देखिए तो कुछ स्थान आपका खाली रह जा रहा है। देखिए खाली स्थान क्या है, तो एक कण जब देख रहे हो तो इसके बीच में ये वाला स्थान आपका खाली है कि नहीं, रेड वाला। यहां भी देखिए चारों कण मिल गया है, खाली है, चारों कण मिल गया है, खाली है, ये भी चारों कण मिलने के बाद यहाँ पास खाली हो जा रहा है, यहाँ पास खाली हो जा रहा है, देख रहे हैं, रेड वाला जहां भी आपको दिख रहा है खाली स्थान है। तो आप खुद ही सोचिए कि ये जो खाली स्थान है ये अब किसी तरह से पैक नहीं हो सकता है, होगा नहीं होगा, तो ये जो खाली स्थान आपका बच जा रहा है ना इस कण के बीच में ये वाला स्थान, एकरा बोला जाता है वॉइड्स या रिक्तिका, रिक्ति, वॉइड्स या रिक्ति, इसको क्या बोलेंगे, वॉइड्स या रिक्ति। तो हम लोग कह सकते हैं जब पैकिंग के समय कणों के बीच में खाली स्थान जो बनती है उस खाली स्थान को क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं, यानी कि वॉइड्स बोलते हैं, वॉइड्स यानी कि रिक्ति बोलते हैं। अब बताइए कि कण के नीचे फिर हम एक कण सजा सकते हैं, नहीं सज सकता है, एक कण फिर यहां सज सकता है इस तरह से, ऐसे सज सकता है, और एक परत इसके ऊपर में भी लग सकता है कि नहीं, ऊपर जैसे यहां पर जैसे चार उंगली है, तो ऊपर चार उंगली और डाल सकते हैं ना हम लोग, ऐसे अगर डाल सकते हैं तो बताइए कि इस तरह से ऊपर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो अगर आप देखिए तो हम लोग
और एक पैकिंग जो कर सकते हैं वो आपका 1 बीमीए और एक पैकिंग आपका होगा 2 बीमीए और एक पैकिंग होगा आपको 3 बीमीए। ठीक है, तो हम लोग किसी भी कण को पैकिंग कितने तरह से कर सकते हैं, 3 तरह से पैकिंग कर सकते हैं। तो बताइए एक बीमीए किसको कहेंगे, तो जिसमें एक ही कतार में लाइन हो, जैसे इसमें आप देखिए तो कि इसमें अगर देखोगे तो इसमें एक ही गुना लाइन जा रहा है, खाली लंबाई इसकी बढ़ रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 बीमीए। 1 बीमीए निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन, 1 बीमीए निविड़ संकुलन। इसमें देखिए तो लंबाई तो बढ़ ही रहा है, लंबाई के साथ साथ आपका इसमें क्या बढ़ रहा है, इस चौड़ाई भी तो बढ़ रही है, तो अगर लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी बढ़ रही है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 2 बीमीए। इसमें आप देखिए ना, इधर वाला हिस्सा आप देखिएगा तो ये आपको एल अगर मानते हैं तो इधर नीचे वाला हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। तो एल और बी जिसमें दोनों चीज होता है उसको हम लोग 2 बीमीए बोलते हैं, और ये चीज आपका क्या कहलाएगा, 2 बीमीए निविड़ संकुलन, इसको 2 विमीय। द्वि बिमीय ना, कैसे द्विमीय निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन, समझ रहे बात। 1 बीमीए निविड़ संकुलन में क्या होता है, सिर्फ एक ही वो कण की लंबाई बढ़ते चला जाता है, मतलब कि इसकी चौड़ाई में कोनो परिवर्तन नहीं होगा। जबकि 2 बीमीए निविड़ संकुलन में क्या हो रहा है कि कण इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, और ये पैक भी है एक तरह से। देखिए सबके सब कण पैक है कि नहीं है, तो ऐसे पैकिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संकुलन बोलते हैं। और इसमें बहुत सारा जो सटा सटा हुआ कण है तो इसको हम लोग क्लोज पैकिंग यानी कि निविड़ संकुलन बोलेंगे। तो संकुलन ना छूट गया है, संकुलन। ठीक है, अब तीसरा आप देख सकते हैं कि तीसरा हम लोग कैसे सजा सकते हैं, तो तीसरा कैसे सजा सकते हैं कि एक कण यहां रहेगा इस तरह से, और एक कण नीचे भी आप देखिए तो कण रहेगा इस तरह से, रहेगा कि नहीं। ठीक है, और एक कण आपका कहां रह सकता है वो समझिए, कि इसके ऊपर में भी कण बढ़ सकता है कि नहीं। अरे इसके ऊपर में बढ़ने का मतलब कि एक ही कण है तो कण के ऊपर में ये फिर एक और इस तरह से ऊपर में रह सकता है, जैसे आप समझिए ना कि दो गो है ना, ये दो गो मार्कर है, तो इस मार्करवा के ऊपर में भी तो दो गो ऐसे रह सकता है, फिर ऊपर भी रह सकता है, ऊपर भी रह सकता है, और इधर भी बढ़ सकता है। आप समझ रहे हैं बात, ऐसे। तो अगर ये आपका बताइए, तो ये अगर कान हम इसको मानते हैं तो कौन सा सजावट है, कौन सा, द्विबीमीय है, क्योंकि इसकी चौड़ाई भी बढ़ रही है और इधर आप देखिए तो इसकी लंबाई भी बढ़ रही है, और इसके ऊपर भी दो कण आप और ऐसे डाल दीजिए तो चौड़ाई और लंबाई के साथ साथ इसकी ऊंचाई में भी तो परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिविमीय। तो हम लोग अगर संकुलन की बात करें तो संकुलन कितने तरह का होता है, तो 3 तरह से संकुलित हो सकता है वस्तु, और 1 बीमीय, 2 बीमीय और 3 बीमीय। तो 3 बीमीय में याद रखिए, ये 3 बीमीय में आपका इधर से इधर क्या हो गया, आपका एल हो गया, इधर से उधर ये क्या हो गया, बी हो गया, और प्लस ये ऊपर में ही भागेगा, ऊपर में, तो ऊपर में अगर भागेगा ऐसे इस तरह से ऊपर में भागेगा तो इसको हम लोग एच बोल सकते हैं। तो इसमें तीनों चीज होती है, एल होती है, बी होती है और एच होती है, और ऐसे ही सजावट को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिविम सजावट, त्रिविमीय, हाँ, त्रिविमीय निविड़ संकुलन,
निविड संकुलन। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि इन सबों में आप देखिएगा तो इसका अलग अलग प्रकार होता है। जैसे आप संकुलन यहां आप द्विबिंब में देखोगे तो द्विबिंब में भी आपको क्या मिलेगा कि दो तरह का होता है, ये आपका दो तरह का होता है। इसमें भी आप देखिएगा तो ये भी दो तीन तरह के होगा। इसमें भी आप देखिएगा तो इसमें का एक ही होता ही है, तो इसमें नहीं होता है। इसका प्रकार होता है, प्रकार होता है और इसका प्रकार होता है। तो इसमें आप देखिएगा द्विबिंब में तो सबसे पहले हम लोग इसी को ऑन करेंगे, इसको पठाएंगे, उसके बाद फिर इसको। ये आपको दो तरह का होगा, एक आपका वर्गाकार और एक आपका षटकोणीय, दो तरह का होता है। तो ऐसा कीजिए कि आप संकुलन क्षमता को उतारिए। अब एक चीज आप देखिए, क्षमता बढ़ने की चीज हो गया, एक आप एक होता है संकुलन, संकुलन क्षमता, क्षमता पैकिंग इफिशियंसी क्षमता, ठीक है। और एक क्या चीज है, इसको अभी और अच्छा से पढ़ लोगे जब इसको अलग अलग करें। तो पैकिंग क्या होता है कि अगर कोई वर्गाकार पैकिंग हो रहा है, ठीक है, या आपका षटकोणीय पैकिंग हो रहा है, तो उसमें कणों की संयोजन करने की क्षमता कितनी है, मतलब कितना वो पैक कर सकता है। तो जितना उसमें कण पैक हो सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं संकुलन क्षमता। जैसा आप देखिए कि अगर इस तरह की पैकिंग होगी तो इसमें ज्यादा खाली स्थान है कि नहीं, लेकिन अगर कोनो कण को यहाँ पास ना रख के इसके गैप में रख देता है, गैप में रखने का मतलब समझ ना रहे, आप एक कण यहाँ है इस तरह से और कोई कण इसके बगल में एकदम सीधा सीधी ऐसे रख रहा है, तो इसमें खाली स्थान ज्यादा है कि नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति यही चीज को अगर हटा कर कर करके इसके गैप में यहां पास डाल देता तो खाली स्थान उतना बचता, कम बचता। तो इस तरह की जो पैकिंग होगी उसकी संकुलन क्षमता ज्यादा होगा कि ना होगा, और इस तरह की पैकिंग होगी तो उसमें संकुलन क्षमता ज्यादा होगा कम होगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता बोलते हैं, कि कितना ज्यादा उसमें कण अट रहा है, कितना ज्यादा कणों को अच्छी तरह से सजाने का ढंग इसके पास है। तो जितना कण उसमें अट सकता है, आयतन घेर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं संकुलन क्षमता। अब हम लोग ऑन करते हैं इसको द्विबिंबीय को, ठीक है। तो आप इसको रखिए, सुनिए। अब हम लोग देखते हैं द्विबिमा में निविड संकुलन। एक चीज और आप देखें, हम तीन बताए आपका, एक बिमीय, द्विबिमीय और त्रिबिमीय। तो एक बिमीय का कोई प्रकार नहीं होता है, एक बिमीय जो सिंपल जो चला ना आपका, ये इस तरह से अगर कान व्यवस्थित है तो इसको जनरली एक बिमीय बोला जाता है, ठीक। ये आपका एक बिमीय होता है, इसमें किसी तरह के कोई प्रकार यानी कि कोई टाइप आपका नहीं मिलेगा। जनरली हम लोग पढ़ेंगे द्विबिमीय से, क्योंकि इसमें आपका दो तरह का। तो द्विबिमीय निविड संकुलन में आप देखिए तो ये आपका दो तरह का होगा। पहला आपका होगा जिसको वर्गाकार या वर्ग वर्गाकार वर्गाकार निविड संकुलन या द्विबिमीय निविड संकुलन, वर्गाकार द्विबिमीय, द्विबिमीय वर्गाकार द्विबिमीय या द्विबिमा जो भी आप समझिए, द्विबिमीय निविड संकुलन, निविड संकुलन पहला। दूसरा आपका होगा षटकोणीय निविड संकुलन, और षटकोणीय किसका, द्विबिमा में, ठीक है। तो दूसरा को आप बोल सकते हो षटकोणीय, षटकोणीय द्विबिमीय निविड संकुलन, निविड संकुलन, समझ रहे बात। अगर आपसे कोई पूछ दे कि द्विबिमा में जो निविड संकुलन होती है वो कितने तरह की हो सकती है, तो दो तरह का, पहला वर्गाकार और दूसरा षटकोणीय। और वर्गाकार और षटकोणीय क्या होता है इसको समझते हैं। अगर कोई कण, ठीक है, इस तरह से हो,
जी, और इस कण के सामने में कोई दूसरा कण हो, कण के सामने में ही क्या होना चाहिए, दूसरा कण। तो एक कण आपका है और एक सामने, एकदम एकदम सामने कण का मतलब कि यहां पास इस तरह से, इस तरह से कण के सामने कण। फिर आप नीचे जाइए तो फिर आपको इसी तरह से मिलना चाहिए, मतलब इसका सीधा अर्थ है कि यदि आपकी इस पंक्ति को हम ए मान लें, ए इसको अगर हम ए मान लें, तो जितना कण आपका इस पंक्ति में है उतना ही कण इसमें भी होनी चाहिए। तो इसमें कितना है, एक दो तीन चार पांच छह सात, इसमें भी सात होनी चाहिए, एक दो तीन चार पांच छह सात, इसमें भी सात, एक दो तीन चार पांच छह सात। तो आप देख के आ रही है कि इसमें जितना सजावट है कणों की उतना ही कणों की सजावट इसमें भी है, इतना ही कणों की सजावट इसमें भी, एकदम सामने सामने। तो सामने सामने है, अगर इसको हम ए माने तो जैसन ई कण दिख रहा है वो इसमें तो ये भी पंक्ति दिख रहा है, इस पंक्ति को भी क्या मानेंगे ए, इस पंक्ति को भी क्या मानेंगे ए, ठीक है। अब इस कण के प्रत्येक सेंटर को, प्रत्येक सेंटर को जैसे मान लीजिए कि यहां पास ये पंक्ति है, इसका सेंटर ही है, इसका सेंटर ही है, इसका सेंटर ही है, इसका सेंटर ये है, तो प्रत्येक सेंटर को आप मिलाइए, देखिए यहां से इसको, यहां से इसको, यहां से इसको, यहां से इसको, एक वर्ग बन गया। वर्ग बना कि नहीं बना, तो अगर वर्ग बन गया तो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन। तो इस तरह के संकुलन में क्या होता है कि एक कण एक दूसरे के एकदम ठीक सामने, ठीक सामने व्यवस्थित होते हैं, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था में कण एक दूसरे के ठीक सामने ठीक सामने होते हैं, होते हैं। और जब ठीक सामने होते हैं तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है, ए ए ए व्यवस्था कहलाती है। तो आपसे कोई पूछ दे कि जो वर्गाकार द्विबिंब निविड़ संकुलन होता है उसकी प्रत्येक पंक्ति की सजावट कैसी होती है, तो ए ए सजावट होती है, इसको पंक्ति बोला जाता है, याद रखिए इसको क्या बोलेंगे, पंक्ति, पंक्ति। तो इसकी पंक्ति की सजावट कैसी होती है, तो इस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं ए ए ए डॉट डॉट, आगे बढ़ सकता है ना, व्यवस्था, व्यवस्था ए ए व्यवस्था। इस तरह की जो व्यवस्था होती है इस व्यवस्था को क्या बोलेंगे, ए ए व्यवस्था बोलेंगे, ठीक। अब एक चीज समझिए, एक चीज और इसमें समझिए कि आप देख रहे हैं कि इसके बीच में ये वाला खाली स्थान रह जा रहा है कि नहीं, देख रहे हैं आप बिंदु बिंदु नजर आ रहा है, खाली स्थान रह जा रहा है। तो आप ऐसे गोलों का अगर मान के चलिए कि इसकी जितना आयतन है उसका 52% हिस्सा ही भरा पाता है, मतलब कि अगर 100% स्पेस है तो 100% स्पेस में 52.4% ही जो स्पेस होता है उसको कण क्या कर पाता है, भर पाता है, और बाकी जो स्पेस होती है उसका स्पेस को क्या कर दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है, 47. कितना हो जाएगा, 6% ना, वो आपका खाली हो जाता है। तो इसकी जो क्षमता होती है, अगर कोई पूछ ले इसकी इस क्षमता कितनी है, तो क्षमता की आप बात कीजिएगा तो कितनी भरा इसकी क्षमता हो जाएगी, हाँ 52.4%, 52.4% इसकी क्षमता होती है, यानी कि ये आपका भरा सकता है। और इसकी को गुणांक ही बोला जाता है, क्या बोलेंगे, क्षमता गुणांक या संकुलन गुणांक, संकुलन गुणांक भी इसी को बोला जाता है, जो 52% है ना ये आपकी संकुलन गुणांक हो गई। और अगर कोई बोल दे कि इसमें इसका एफिशिएंसी यानी कि रिक्त स्थान कितना रह जाता है, तो रिक्त स्थान की आप बात कीजिए तो इस 100 में से इसको घटा दीजिए कितना बचेगा,
रिक्त स्थान, तो जो रिक्त स्थान होती है वो कितना हो जाएगा बताइए, तो घटा दीजिए ना 100 में से, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, ये बच गया इधर कितना 9, तो 9 में से 2 जाएगा 7 और फिर 9 में से 5 जाएगा 4, यानी कि 47.6%। तो आपसे कोई पूछ सकता है ना इस नंबर के सवाल में कि जो वर्गाकार द्विबिंब निविड संकुलन होती है उसकी रिक्त स्थान कितनी होती है या उसमें रिक्त स्थान कितना होता है, तो कितना होता है आपका 47.6%। ठीक, अब हम लोग आते हैं इसमें, इसमें षटकोणीय, अभी तैयार याद रखिएगा कि इसकी व्यवस्था कैसी व्यवस्था होती है, ये व्यवस्था होती है, और जबकि इसकी व्यवस्था में आप देखिए तो इसका क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि एक कण यहां है आपका, ठीक, तो इस कण के बीच में देखिए ये वाला कण का ये वाला जब दो कण आपस में मिला, तो ये वाला स्थान खाली है कि नहीं है, तो ये जो स्थान खाली है इसी स्थान को बोला जाता है अवनमन, इसको क्या बोलेंगे अवनमन, 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 समझ में आ रही बात, इस स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे अवनमन। और दूसरी जो कण होगी आपका पहली पंक्ति के कण सजा हुआ रहेगा इस तरह से, अभी बताइए तो इसकी सजावट कैसा सजावट एक बेबी है सही है, और जब इसका अगला पंक्ति का कण इसके अवनवन में हो, ठीक सामने नहीं इसके अवनवन में हो, तो अवनवन में होने का मतलब कि एक कण जो होगा यहां पास होगा एकदम ऐसे इस तरह से इसका अवनवन में, बताइए तो कि अगर एक अवनवन में है तो जितना ऊपरे कण रहेगा ओकरा से तो कमे कण रहेगा, और कै गो कम रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 गो तो अवनवन कै गो बन रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अवनवन न बन रहा है, तो जय गो अवनवन बनेगा उतना ही कण इसके में क्या होगा समाएगा। दूसरा कहाँ हो सकता है, तो फिर आपका कण यहाँ इसके सामने आ जाएगा, ठीक एक सामने आ जाएगा यहाँ, और फिर एक सामने था अवनवन इसका ही ना बन रहा है, तो इसका कण आप यहाँ आ जाएगा फिर यहाँ आ जाएगा इस तरह से, आप देखिए सही फिगर नहीं बनेगा यहाँ, ठीक है हाथ है लेकिन आपको बुक में सही फिगर मिल जाएगा देखने के लिए, तो ये वाला इसका अवनवन यहाँ है, ये है ये एक ठीक सामने, तो बताइए ना अगर ऐसे ही करते चले जाए तो ये वो कण यहाँ फिर मिलेगा इस तरह का, देखिए आप ठीक से, जी ऐसा कुछ लग रहा है कि इसका पैटर्न और इसका पैटर्न में चेंजिंग नहीं है, चेंज है, अगर इसकी व्यवस्था को अगर हम ए मान लेते हैं कण को, तो ए वाला जो व्यवस्था होगा इसको इसी कण के ठीक सामने नहीं है, तो ठीक सामने है या नहीं है तो इसको ए मानेंगे बी मानेंगे, फिर एक सामने ये आ जा रहा है तो इसको ए मानेंगे, फिर इसके सामने ये आ रहा है तो इसको बी मानेंगे, तो ए बी ए बी ए बी आ जा रहा है कि नहीं, तो बताइए तो कि जो षटकोणीय द्विबिंब निविड संकुलन होता है उसमें कणों की व्यवस्था कैसी होती है, तो ए बी व्यवस्था, लेकिन अगर इसको कोई पूछ रहे कि डिफाइन कीजिए कि इसकी व्यवस्था को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ऐसे कर सकते हैं कि जब पहली पंक्ति के अवनवन में दूसरी पंक्ति का कण समा जाए या ठीक ठीक बैठ जाए, तो ऐसे व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं षटकोणीय, और षटकोणीय काहे बोलते हैं ये भी समझिए कि आप इसके केंद्र को देखिए, एक केंद्र इसका यहां होगा, एक कण का केंद्र यहां होगा, इसका यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, सब केंद्र को आपस में मिला के देखिए षटकोण बन जाएगा, इसको मिलाइएगा तो यहां से यहां मिलेगा, यहां से यहां मिल जाएगा या ऐसे मिल जाएगा, गिनिए तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 मैंने कोई चीज षटकोण है ना, तो इसकी संरचना कैसी संरचना हो रही है, षटकोणीय संरचना हो रही है, और जबकि इसने कैसा संरचना बन रहा था वर्गाकार, इसमें वर्गाकार मिलेगा
कहीनो नहीं मिलेगा। और जो नहीं मिलेगा तो ऐसी व्यवस्था को षटकोणीय द्विबीम निविड संकुलन कहेंगे। अब इसको डिफाइन करना चाहोगे तो इसकी व्यवस्था कैसी होती है, तो याद रखिएगा व्यवस्था व्यवस्था, तो इसकी व्यवस्था जो होती है कणों की सजावट वो ए बी ए बी ए बी इस तरह से आपको आगे जाएगा। मतलब ए बी ए बी ए बी ए बी व्यवस्था होगी। अब देखिए कि इसकी तुलना में आप देखिएगा तो इसमें रिक्त स्थान कम है कि नहीं है, रेकर तुलना में देखो ना पूरा गैप गैप नजर आ रहा है, देखा दे रहा है, जबकि यहां पर देखिए आपको गैप कम नजर आ रहा है, तो कम नजर आ रहा है ज्यादा भरल होगा कम, जब ज्यादा भरल होगा तो इसकी क्षमता भी क्या होगी ज्यादा होगी, तो इसकी 52 है तो इसकी जो क्षमता होती है ये क्षमता आपका होता है 60.4। क्षमता कितनी होती है एफिशिएंसी जो होती है इसके अंदर की जो क्षमता होती है, ये क्षमता भरने की क्षमता कितनी होती है 60.4%। अब बताइए कि यदि क्षमता इसका 60.4% है तो इसकी जो रिक्ति होगा यानी रिक्त स्थान वो कितना होगा, रिक्त स्थान घटा दीजिए, याद करने की क्या जरूरत है, घटा दीजिए तो रिक्त स्थान घटा ये 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा 6 पॉइंट, यहाँ 9 तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 है ना, और इधर कितना 9 तो 9 में से 6 जाएगा 3, यानी 39.6%। अगर इसको आप डिफाइंड करना चाहते हैं इस रूप में तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था में पहली पंक्ति की व्यवस्था ऐसी व्यवस्था में दूसरी पंक्ति का कण पहली पंक्ति के अवनवण में बैठता है, जिसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो इस व्यवस्था में दूसरी पंक्ति का कण इस व्यवस्था में दूसरी पंक्ति का कण पहली पंक्ति के अवनवण में रहता है। ठीक है, तुम क्लियर, कोई दिक्कत, आसानी से समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, राइट कीजिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल आपको हम त्रिविमीय समझा देंगे और कल आपका एक खत्म हो जाएगा टॉपिक, ठीक।